सरना भरा जिहड़े कि शुरू तो ही पंथ विरोधी कार्यां दे विच इनवॉल्व रहे आ। जे असी 1984 की गल करिए ते उन्होंने चाहे वह सज्जन कुमार होवे, जगदीश टाइटलर होवे, चाहे कमलनाथ होवे, उन्हां नूं बचाउण दी उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की हमेशा ही। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबरों वालों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं पत्र लिख के सरना भरावां नूं पंथ चों छेकण की मंग की गई है। इस पत्र विच सरना भरावां ते पंथ विरोधी सरगर्मियां करन दे इल्जाम भी लाए गए ने। इन्हां इल्जामां विच कहा गया है कि SGPC संगत का पैसा सरना भरावां ते खर्च कर रही है अते PTC चैनल राही सरना भरावां नूं प्रमोट किया जा रहा है। दिल्ली दे विच सरदार परमजीत सिंह सरना ते सरदार हरविंदर सिंह सरना वल्लों जो पंथ विरोधी काम किए जा रहे हैं उस दे बारे जथेदार साहब नूं जानकारी दित्ती है। विशेष तौर दे उत्ते जो सरना भरावां नूं प्रमोट करन लई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां गोलकां दा मूंह दिल्ली वाले खोलिया गया है, उस बारे जानकारी दित्ती है जथेदार साहब नूं। सरना भरावां वल्लों जो दिल्ली दे विच ते होर स्टेटां दे विच UP हरियाणा पंजाब जो उन्हां दे परिवार वल्लों शराब दे नशे दे कारोबार किए जा रहे हैं जिस विच उन्हां दे परिवार नूं ED ते CBI वल्लों नोटिस भेजे गए, बुलाया गया, पुछगिछ की गई, कोर्ट दे विच केस उन्हां दे खिलाफ़ शुरू होए आ, उस दी जानकारी दित्ती है। और ये बहुत ही मंदभागी गल है कि जेडे जिन्हां दे परिवार शराब दे नशियां दे विच कारोबार दे विच पए होण और उन्हां नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी गोलक दी दुरवरतों करके उन्हां नूं प्रमोट किया जा रहा होए, उन्हां दे उत्ते खर्च किया जा रहा है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी गोलक दा पैसा, इस दे बारे भी असीं जथेदार साहब नूं जानकारी दित्ती है। सरना भरा जिहड़े कि शुरू तो ही पंथ विरोधी कार्यां दे विच इनवॉल्व रहे आ। जे असी 1984 की गल करिए ते उन्होंने चाहे वह सज्जन कुमार होवे, जगदीश टाइटलर होवे, चाहे कमलनाथ होवे, उन्हां नूं बचाउण दी उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की हमेशा ही। अज भी उन्हां दे खिलाफ दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों सज्जन कुमार दे खिलाफ केस की पैरवाई की जा रही है जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेज दे उत्ते है। जगदीश टाइटलर दी जो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हुई है, CBI क्लोजर फाइल सी जिहड़ी, वह केस चल रहा। कमलनाथ दा हाई कोर्ट दे विच असी दोबारा पटीशन पा के केस शुरू किया है। एक पासे दिल्ली से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी 1984 दे कातलां नूं, 1984 दे दोषियों नूं सज़ा दवाउण लई रात दिन एक कर रही है और दूसरे पासे सरना भरावां ने जिवें पहले कोशिश की आ, अज भी वह उन्होंने संपर्क के सूत्रों तो पता लगता है कि अज भी उन्होंने संपर्क के और कितने ना कितने उन्होंने शेल्टर देने की जिहड़ी आ वह कोशिश की जा रही है। हमेशा ही सिख विरोधी कामों के इनवॉल्व रहे आ। हाल ही दे विच दिल्ली दे विच MCD की इलैक्शन होई जिस विच एक बीबी परमजीत कौर जो कि 1984 दे पीड़ित परिवार तो है उस नूं टिकट मिली। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस बीबी की पूरी सपोर्ट दे विच आ के एक कोशिश की कि उस नूं जिताया जाए ताकि 1984 दे पीड़ितों की मदद हो सके क्योंकि उस कलोनी तो जिहड़ी विधवा कलोनी तिलक विहार दी आ उस कलोनी तो बिलोंग करती सी, लेकिन सरना भरावां ने रज के उसका विरोध किया, सोशल मीडिया के उत्ते उसका विरोध किया और ये कोशिश की कि उसनू हराया जाए और उसनू उस इलैक्शन दे विच उन्होंने हराया।
एक विशेष चैनल दे माध्यम दे नाल सरना भरावां नूं प्रमोट किया जा रहा है। जथेदार अकाल तख्त साहब वालों भी इस गल की हुक्म होया सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल चलाए, अपना चैनल शुरू करे, लेकिन अज भी गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार जिहड़ा वो PTC चैनल के उत्ते हो रहा है, एक परिवार नूं फायदा पहुँचाया जा रहा और उस चैनल के माध्यम के नाल दिल्ली दे विच जिहड़े शराब के नशे दे विच जिन्हां दे परिवार इनवॉल्व है, जो कि थोड़ा समा पहले श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली दे प्रधान बने आ, उन्हां नूं उस चैनल दे माध्यम दे नाल प्रमोट किया जा रहा है। और सूत्रां तो यह भी जो पता चलिया, जो मार्केट दे विच गल चल रही है कि PTC चैनल वालों करोड़ां रुपया जिहड़ा है वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं देना बकाया है। इस गल दी जथेदार साहब ने भी जो PTC चैनल दा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल की इकरारनामा होया उस नूं जग जाहिर करन दी गल कीती सी, लेकिन अज तक वो इकरारनामा नहीं दस्या गया, संगत नूं नहीं दस्या गया कि उस इकरारनामे दे तहत की इन्हां दे विच आपस दे विच गलबात सी, की लैणा देणा सी। लेकिन यह जो सूत्रों तो पता लग रहा है कि करोड़ों रुपया PTC चैनल ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अज भी जिहड़ा बकाया देना है। जो पंथ विरोधी है, जिन्हां ने पंथ विरोधी काम किए हैं, जिन्हां ने कौम का घाण किया है, जिन्हां ने 1984 के कातलों नूं बचाउण दी कोशिश की है, जिहड़े अज असी अपने नौजवान पीढ़ी नूं नशियां तों बचाउण दी गल कर रहे हैं, अज असी अपने नौजवान बच्चों नूं जो किते ना किते भटके आ उन्हां नूं सीधे रस्ते पाउण दी गल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पासे जो दिल्ली इकाई दे प्रधान बने आ उन्हां दा परिवार नशियां दे विच इनवॉल्व है। इस गल दी प्रोड़ता ED और CBI दे जो नोटिस है, इनवैसटीगेशन हो गई आ, केस शुरू हो गए आ, ये पक्की मोहर उस दे उत्ते लग गई आ कि उन्हां दे परिवार नशियां दे विच इनवॉल्व है। सो अज सानू जो असी इस पत्र जथेदार साहब नूं दित्ता है उस दे विच असी जथेदार साहब नूं बेनती कीती है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि जिथे सरना भरावां दीआं पंथ विरोधी कौम विरोधी और उन्हां दे परिवारां दी नशे दे विच इनवॉल्वमेंट होण दे बावजूद उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जथेदार साहब नूं असी बेनती कीती आ कि उन्हां नूं अकाल तख्त साहब दे उत्ते तलब किया जाए। और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां ने कि जथेदार साहब ने जो हुक्म किया सी कि वो इकरारनामा भी जग जाहिर करन और अपना चैनल जिहड़ा शुरू करन, उस दा भी जथेदार साहब दे हुक्म दी जिहड़ी आ उलंघना है। सो असीं बेनती कीती है कि इन्हां नूं अकाल तख्त साहब दे उत्ते तलब किया जाए और जो बनदी कार्रवाई आ वो इन्हां दे खिलाफ कीती जाए। ये अज असी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जथेदार साहब नूं बेनती कीती है। देखो ये सरना भरावां दे परिवार दे विचों उन्हां दी श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब दे विच धरने प्रदर्शन किते, जो सरना भरावां दे परिवार दीआं फैक्ट्रियां सी उन्हां दे खिलाफ़। ये जग जाहिर है कि सरना भरावां दे किहड़े मैंबर जिहड़े आ उह नशे दे कारोबार 'च आ, उन्हां नूं नोटिस ED अखबारां दे विच सब दे नाम आ चुके आ। परमजीत सिंह सरना जां हरविंदर सिंह सरना नूं ED ने कदी तलब मामले दे विच, देखो असीं परिवार दी गल कर रहे हां, जे किसी परिवार दे विच जे जदों आपां परिवार दी गल करदे आ, हांजी परिवार दी गल करदे आ ते जी जी तुहाडे नाल फिर ओह वी जिन्ने सी परमजीत सिंह सरना परिवार दी गल कर रहे आ कि उन्हां दे उन्हां दी जो उन्हां दी बेटी है उस नूं तलब किया गया CBI वालों ED वालों और उन्हां दे खिलाफ नोटिस भी इशू होए आ, उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन भी हुई आ, उन्हां दे खिलाफ केस भी होया। जदों रिश्तेदारी परिवार है, परिवार है तो परिवार दे नाल बिल्कुल दोषी
नहीं अगले घर नहीं चलेगी जी, परिवार तो उन्होंने ही है ना, अगले घर किवें चलेगी, परिवार तो उन्होंने उस परिवार के बच्चों ही है ना, उस बिल्कुल शेल्टर देंगे, शेल्टर देन दे करके ही, शेल्टर देन करके ही उन्होंने श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया। पिछले 20-22 साल तो लगातार वो पानी पी पी के कोसते सी, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल नू सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 20 साल तो सरना भरा जिहड़े कोसते आए सी, अज ऐसा कि उन्हां दा प्यार जाग पिया कि वह उस पार्टी दे विच शामिल हो गए। इहदा कारण यही सी कि उन्हां नू पंथक कवच चाहिए सी, उन्हां नू शैल्टर चाहिए सी ईडी CBI तो बचन लई, जिहदे करके मैं समझदा कि उन्होंने ये जिहड़ा कदम पुटिया। नहीं साडे वल्लों जदों सरसा साहब श्रोमणी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सी, सारी टीम एक सी, उस तो बाद उन्होंने जदों वो मैंबर नहीं बने वो अपना उन्हें दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है वो सरकार के नुमाइंदे आ, लेकिन असी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना प्रबंध चला रही है, इंडिपेंडेंट प्रबंध चला रही है, कोई ऐसा कोई एक श्रोमणी कमेटी ते गोलक दा दोष लाया कि सर ने भरावां दे उत्ते खर्च कीता जा रहा है, इहदे की सबूत ने कि किन्ना का खर्च कर चुके ने, करोड़ां रुपए कह रहे हैं, इहदा सबूत है कि हुणे रीसेंटली जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आ जिहड़ी सरना साहब ने कीती आ, जिहदे च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब उन्होंने नाल बैठे आ, उहदे विच उन्होंने 5-5 करोड़ रुपया जिहड़ा वो चाहे दिल्ली नूं देण वास्ते गल की आ, जिहड़े कार्ज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे विच ऑलरेडी कर रही है, उत्थे फ्री MRI कर रही है, फ्री डायलिसिस कर रही है, CT स्कैन कर रही है, यात्रावां जिहड़ियां संगत दियां दिल्ली दियां उन्हां नूं मुहैया कराई जा रही बसां दिल्ली कमेटी वल्लों, तो मैं समझदा उस काम नूं रिपीट करना ये सरना भरावां नूं प्रमोट करन वाली गल सी, ना कि संगत की, क्योंकि संगत को तो सुविधा मिल रही थी, जे श्रोमणी कमेटी करना चाहती सी तो पंजाब दे विच MRI फ्री की जा सकती सी, CT स्कैन किए जा सकते हैं, मैडिकल सुविधा फ्री दी जा सकती है, पंजाब दे विच दिल्ली दे विच जा के देने की लोड़ पै गई। कालो साहब उही जवाब देणगे ना जी, ये तो जथेदार साहब नूं असीं यही तो यही इहो बेनती असीं यही बेनती असीं जथेदार साहब नूं कीती आ कि इसका पुछया जाए कि जे पंजाब दे विच लोड़ है, पंजाब दे विच टीचर धरना दे रहे हैं जिदा तुसी दस्या, जे इत्थे दा स्टाफ धरना दे रहा, तो फिर दिल्ली दे विच जाके 5 करोड़ रुपया अनाउंस करन दी की लोड़ पै गई। श्रोमणी अकाली दल ने कहा सी कि बंदी सिखां दी रिहाई दे, ये तो हुण सरना साहब दसणगे कि उन्होंने केड़ी पार्टी दा विरोध किया, लेकिन सवाल इत्थे 1984 दे पीड़ित परिवार की गल आ रही थी, पार्टी की गल नहीं आ रही थी, जदों 1984 का पीड़ित परिवार जां साडा कोई शहीद परिवार कित्थे भी खड़ा, सानू उन्हां दी मदद जिहड़ी आ करनी चाहीदी सी, लेकिन सरना भरावां ने उसका विरोध किया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ सबूत की हो सकता जी के उन्हां दी बेटी है जिसनू CBI ED ने नोटिस दे के बुला के कई कई घंटे तक पुछगिछ की आ, और हुण कोर्ट दे विच केस आ, इस तो वड्डा सबूत होर की चाहीदा? नशे दे विच जो उन्हां दा कारोबार सी, जो दिल्ली दे विच जो पॉलिसी जो बनाई गई उस दे विच उन्हां दी इनवॉल्वमेंट सी, उन्हां दी कंपनियां दी इनवॉल्वमेंट सी, जिहदे करके उन्हां नूं तलब कीता गया। ठीक है जी, इतराज कीता गया सी नाम नूं लै के, ते दिल्ली कमेटी ने ओह दिन मनाया जी, इहदे बारे की कहना चाहोगे? देखो जी, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब नूं सिर मौर मानदी है, और जो हुक्म है हमेशा ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों सिर मत्थे दे उत्ते मन्निया गया है, और इस तरह का कोई भी हुक्म नहीं सी कि ये दिन नहीं मनाउणा, इस तरह का कोई नहीं सी, जे कोई है तो तुसी दिखा दिओ,
ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਬ ਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਦ ਘਾਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਿਓ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੱਲ ਪਈ ਆ ਰੁਕੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ PTC 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ?
असी समझते हैं कि जानकारी जिहड़ी आ दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए आ। बाकी जो अकाल तख्त साहब तो हुक्म होवे, वो हुक्म जिहड़ा है वो सरमत है।